हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी ने अपना नया रिचार्ज प्लान चालू कर दिया है दिसंबर महीने से, जिसमें हमें अभी ज़्यादा पेमेंट करना होगा किसी भी रिचार्ज प्लान को यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL के बीच में डिटेल कंपेरिजन करके दिखाऊँगा कि किस ब्रांड में अभी आपको कितना रिचार्ज करना होगा, मतलब 1.5 GB पर डे या फिर 2 GB पर डे यूज़ करने के लिए आपको अभी किस ब्रांड में कितना रिचार्ज करना होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL चारों कंपनी को लेके मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है, तो सभी प्लान्स यहाँ पे अनलिमिटेड वॉइस प्लान्स है। मैंने सिर्फ यहाँ पे इंटरनेट के हिसाब से कैटेगरी को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला कैटेगरी है 1 GB पर डे, वो भी 28 दिनों के लिए। तो ये प्लान आपको जियो में 179 रुपये में मिलता है, एयरटेल में आपको 265 रुपये, वोडाफोन आइडिया में 269 रुपीज़ और BSNL में आपको सिर्फ 153 रुपये में आपको ये प्लान आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट है 1.5 GB पर डे, वो भी 28 दिनों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये प्लान आपको जियो में 239 रुपये में मिलता है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में आपको 299 रुपये में मिलता है और BSNL में ऐसा कुछ प्लान अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 2 GB पर डे, वो भी 28 दिनों के लिए। तो ये प्लान आपको जियो में 299 रुपये में मिलता है, एयरटेल में 359 और वोडाफोन आइडिया में भी ये 359 रुपये में अवेलेबल है और BSNL में ये काफ़ी सस्ता आपको 199 रुपये में मिलता है, साथ ही आपको 30 दिन मिलता है, मतलब 2 दिन ज़्यादा मिलता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है 1.5 GB पर डे 56 डेज के लिए। तो ये प्लान यहाँ पे आप देख सकते हैं, जियो में आपको 479 रुपये, एयरटेल और वोडाफोन सभी में आपको ये 479 रुपये में मिलता है। तो इस कैटेगरी में तीनों ब्रांड सेम है और BSNL में कोई भी प्लान ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 2 GB पर डे, वो भी 56 दिनों के लिए। तो ये प्लान आपको जियो में 533 रुपये में मिलता है, एयरटेल में 549 रुपये में और वोडाफोन आइडिया में 539 रुपये में आपको मिलता है और BSNL में आपको 397 रुपये में आपको मिलेगा, साथ ही 60 डेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 4 दिन का एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी है 1.5 GB पर डे, वो भी 84 डेज के लिए। तो ये प्लान जियो में आपको मिलेगा 666 रुपये में, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में आपको 719 रुपये में आपको ये प्लान देखने को मिलेगा और BSNL में 485 रुपये, वो भी 90 डेज में ये आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी सस्ता है BSNL में। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है 2 GB पर डे 84 डेज के लिए। तो ये प्लान आपको जियो में अवेलेबल होगा 719 रुपये में और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में आपको दोनों में आपको 839 रुपये में ये प्लान आपको देखने को मिलेगा और BSNL में ये ऐसा कोई प्लान अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है 1 ईयर कैटेगरी, मतलब 1 साल के लिए रिचार्ज होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए 2 GB पर डे, वो भी 365 डेज, मतलब 1 साल के लिए। तो ये प्लान आपको जियो में मिलता है 2879 रुपये में, एयरटेल में आपको मिलता है 2999 रुपये में करीब 3000 और वोडाफोन आइडिया में आपको मिलेगा 2899, लेकिन ये 1.5 GB पर डे है। और सबसे इंटरेस्टिंग देखिए, BSNL में आपको 2399 रुपये में मिलता है, वो भी 3 GB पर डे और 425 दिनों के लिए मिलेगा। तो काफ़ी ह्यूज एडवांटेज है आपके लिए। और यहाँ पे सबसे आखिर में देखिए, मैंने सब कैटेगरी को एक साथ करके दिखाया है कि कौन से कैटेगरी में कौन सा कंपनी आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ पैसों के मामले, पैसों को देख के आप डिसाइड मत कीजिए। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन या फिर इंटरनेट स्पीड भी
इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब कुछ ध्यान में रखकर ही डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कौन से कंपनी का रिचार्ज प्लान आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।